तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, और आपको लिए चलते हैं सांबा। और सांबा से भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहां क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर शिकंजा कसा गया है। सांबा पुलिस ने देश के चार और गद्दारों को अब गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अभी तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां PSA लगाने की मांग भी जो है ये उठाई जा रही थी। जिस तरह से ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच की बात करें, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वो मैच जो है खेला गया, और वहीं पर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो इसमें पाकिस्तान को जीत जो है वो दर्ज हुई, वहीं भारत को हार जो है वो झेलनी पड़ी। लेकिन उसके बाद जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो वहां पर भी हमें किस तरह के जो है विरोध होता हुआ भी नजर आया, जिस तरह का माहौल जो है जो हमारे भारत के कई इलाकों में देखा गया। वहां पर कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में भी जश्न जो है वो मनाया गया। वहीं सांबा की अगर बात करें तो सांबा में भी कुछ समुदाय के लोगों ने वहां पर जश्न मनाया और किस तरह के नारे भी लगाए, और उसके बाद कुछ दल जो है उन्होंने आवाज उठाने की भी कोशिश की और प्रयास यही किए कि इन लोगों को सजा जो है वो मिल सके। लेकिन अब जहां पर इन लोगों की बात करें तो 8 लोगों को जो है अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, और क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से प्रशासन जो है इस पर कार्रवाई कर रहा है, इस पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की कार्रवाई अब की जा रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 8 लोगों को इसमें गिरफ्तारी भी मिल चुकी है। देखिए चेतना, आपको बता दें कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान मैच के बाद जो पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स द्वारा, वो आपने खुद देखा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, चाहे वो कश्मीर संभाग हो या फिर जम्मू संभाग हो। और जम्मू संभाग के अगर सांबा जिला की हम बात कर रहे हैं, तो कल जब एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो वायरल होने के बाद लगातार पुलिस हरकत में आती है और उन लोगों को तलाशना शुरू कर दिया जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया। और ये सारे के सारे लोग रहने वाले हैं चकमंगा गुजरा इलाका के, और ये जो इलाका है यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर पहले भी बताया जाता है कि कई सारी इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पर होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर सरेआम यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जश्न मनाया गया। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया और पुलिस ने इन लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी, और जो नंबर सामने आया वो लगभग 15 के आसपास का नंबर था, लेकिन जो आइडेंटिफाई किए गए, जो वेरीफाई किए गए, वो लगभग 9 लोग थे। और 9 लोगों में अगर बात करें तो पुलिस ने कल शाम तक 6 लोगों की जो वो डिटेंशन कर ली थी, उन्हें डिटेन कर लिया था, और बाकी ये कहा जा रहा था कि जल्द ही बाकी वालों को भी डिटेन किया जाएगा। तो अब जो टोटल नंबर सामने आया है, टोटल 8 लोग जो वो डिटेन हो चुके हैं, और इनके ऊपर अलग अलग धाराएं जो वो लगाई गई हैं, यानी देशद्रोह की जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ऊपर, और इनसे पूछताछ की जा रही है, और इनके साथ और कौन लोग उस समय शामिल थे उनकी भी लगातार जो वो धरपकड़ जल्द की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सांबा के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये लोग पहले भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो, मोबाइल स्मगलिंग हो, तो इनके ऊपर PSA जो है वो जल्द से जल्द लगना चाहिए, ताकि इस तरह की हरकतें ना हो, क्योंकि ये हमारे भारत देश में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो कि पीठ के पीछे आकर वार करता है और उनकी बिल्कुल ऋषि जिस तरह से मांग की जा रही है, और इसके तहत 8 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, लेकिन क्या लगता है कुछ और लोग भी आगे आने वाले समय में गिरफ्तार हो सकते हैं इस मामले में? देखिए बिल्कुल, कल ही हमने SSP सांबा राजेश शर्मा जी से जब बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया था कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इसमें जो जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी के चलते पुलिस ने लगातार आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी पारदर्शिता लाते हुए काम किया है, और अभी तक 8 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, और जो कुछ और लोग बचे हुए उन्हें भी जल्द डिटेन किया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर इनके खिलाफ ये पूरा केस दायर करके मामला आगे बढ़ाकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ पर पुलिस को हिम्मत करनी होगी, इसी के साथ साथ आप पुलिस के पास मौका है पूरा कि यहाँ पर जो इलीगल एक्टिविटीज होती है, जो नशे की स्मगलिंग की जाती है या मोबाइल की स्मगलिंग की जाती है, यहाँ जो लोग इन्वॉल्व है उनको भी अब धरपकड़ उनकी जल्द करनी होगी। और यहाँ आपने देखा कि जब ये वीडियो वायरल होता है, जिस दुकान पर ये जो पूरा जश्न मनाया जाता है, वो बताया जा रहा है कि पर्टिकुलर एक ऐसी दुकान है, यहाँ पर हर इलीगल एक्टिविटी को वहां पर प्लान किया जाता है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है। तो उस दुकान को भी या तो बंद करने की जरूरत है, पुलिस को वहां पर अपनी गश्त लगाने की जरूरत है। लेकिन अब सामने ये चेहरे आ चुके हैं कि कौन भारत देश के साथ है और कौन भारत के खिलाफ है। बिल्कुल, यहाँ से साबित होता है कि हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है, और इसी के साथ साथ ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बड़े कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं, और जो भी ये लोग हैं जो एंटी नेशनलिस्ट गतिविधियों में जिनका हाथ है, उन पर जो है इस तरह से नकेल कसी जा सकती है।